चंद कलियों के मुस्कुराने से जख्म जागे कई पुराने से। दो कदम में तो चल नहीं सकता, दो कदम चल नहीं सकता। तुम ही आ जा किसी बहाने से, हम तेरे शहर में आए हैं मुसाफिर की तरह, हम तेरे शहर में आए हैं मुसाफिर। सिर्फ एक बार मुलाकात का मौका दे दे, हम तेरे शहर में आए हैं मुसाफिर। हाँ दोस्तों, मैं दुर्गेश नगर आप सभी संगीतकारों का स्वागत करता हूँ, और आज के इस वीडियो में बहुत ही जबरदस्त एक गज़ल कह सकते हैं आप, गीत कह सकते हैं, जो राग शिवरंजनी पर आधारित है। राग शिवरंजनी का काफ़ी इफेक्ट आपको इसमें देखने को मिलेगा। कई सारे लेशन मैंने देखे हैं इस वीडियो पर, इस गीत पर। तो सभी लोगों ने लगभग इसका जो शेर है स्टार्टिंग में जो आता है उसको स्किप किया है, बाकी सभी बहुत अच्छा बताया है। तो मैंने सोचा कि इसको मैं अपने अंदाज में आपको बताऊँ, और क्या क्या और छोटे छोटे इफेक्ट आप ले सकते हैं, स्कोर कैसे सुंदर बना सकते हैं, तो वो सारी जानकारी इस वीडियो में आपको मैं देने वाला हूँ। काफ़ी पुरानी डिमांड भी है इस गीत की आप लोगों की, लेकिन मैं स्किप कर रहा था इस पर वीडियो, क्योंकि कई सारे वीडियो ऑलरेडी इस पर उपलब्ध हैं। फिर मैंने सोचा कि कुछ और इसमें एक्स्ट्रा किया जा सकता है, नया क्या किया जा सकता है, शेर को ऐड किया जा सकता है, और जो छोटे छोटे फ्रेज हैं राग शिवरंजनी के वो भी इसमें डाले जा सकते हैं। तो मैं एक नए अंदाज़ में एक बहुत ही खूबसूरत तरीका आपको और लिखित में नोटेशन देने वाला हूँ। जो भी मैं बताऊंगा सब कुछ आपको लिखित में मिलने वाला है, और ख़ास बात इसका म्यूज़िक भी आपको मैं बताने वाला हूँ। तो आइए शुरू करते हैं। एक शेर आता है, शेर से इसकी शुरुआत करनी है। क्या शेर है देखिए, सबसे पहले राग शिवरंजनी का थोड़ा सा स्वरूप मैं आपको बता देता हूँ, कौन कौन से उसमें लगते हैं। आप लोगों ने पहले यदि देखे हैं वीडियो तो आपको समझ जाना है। देखिए, सारे ग प ध सा सा द प ग रे सा सा ध प ध सा रे ग रे ग रे ग रे सा। तो ये इसमें स्वर प्रयोग होंगे। ऊपर भी देखिए, ऊपर गा तक जाएगा ये, सारे ग प ध सा ध सा रे ग रे ग रे सा ध प ग रे ग रे ग रे सा। तो ये स्वर है, पास है, गातक इसका चलन है, पूरा गीत इसी में बजेगा। माँ और नी दोनों वर्जित होते राग शिवरंजनी में, लेकिन इस गीत में प्रयोग होंगे। कैसे करना है सावधानी से वो मैं आपको वीडियो में बताऊंगा। आइए देखते हैं। सबसे पहले शेर समझ लीजिए, पासे शुरू करना है। पहले लाइन देखिए, चंद कलियों के मुस्कुराने से पाधा जागे कहीं पुराने से, या फिर जख्म जागे कहीं पुराने से। शुद्ध गंधार, कोमल गंधार का कितनी खूबसूरती से आप प्रयोग कर सकते हैं, वो विरा दिखाने के लिए, ठीक है, वो थोड़ा दर्द है इसमें, तो वो दर्द दिखाने के लिए। देखिए, जख्म जागे रे रे सारे रे, जख्म जागे कहीं पागा कहीं पागा। इस तरीके से दोनों गा का बड़े सावधानी से प्रयोग करना है आपको, और मेन जो अंग है इसका यही कहीं पुराने से जख्म जागे कहीं।
होठों में देखिए, चंद कलियों की मुस्कुराने से जख्म जागे कई पुराने से, या फिर जख्म जागे कई पुराने से, ऐसे भी कर सकते हैं आप, गा से सीधा रे भी ले सकते हैं, बट मैंने थोड़ा सा बारीकी से आपको बताया इसलिए नोटेशन ये वाले दिए मैंने, ये आपको जरूर करना है, प्रैक्टिस करेंगे हो जाएगा। तीसरी लाइन देखिए शेर की, दो कदम में तो बरसा सा सा, दो कदम में तो, थोड़ी हरकत भी लेनी है आपको, दो कदम चल नहीं सकता, पर सा 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 धा सा गा रे सा धा पर पा, दो कदम मैं तो चल नहीं सकता, दो कदम मैं तो, ये थोड़ा आप दूसरी बार गाएंगे तो ऐड कर सकते हैं, दो कदम मैं तो चल नहीं सकता, कुछ नहीं थोड़ा सा मैंने चेंज किया नोटेशन, पा धा रे सा धा रे सा धा पा पा, ये नोटेशन है वो आपको लिखित में नहीं दिए, आपको वीडियो में देख के समझना है, क्योंकि एक लाइन के बहुत सारे फ्रेजेस होते हैं जो मैं बताने की कोशिश करता हूँ हर वीडियो में, कि एक लाइन को यदि आप दो बार गाएंगे तीन बार गाएंगे तो तीनों बार अलग अलग अंदाज में आप कैसे गा सकते हैं, पर तीनों की नोटेशन दे पाना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि ऑलरेडी मेरा वीडियो काफ़ी बड़ा होता है, तो आपको कुछ थोड़ा सा आपको वीडियो में देख के भी समझना है और कोशिश करनी है। फिर से देखिए दोनों इफेक्ट, दो कदम मैं तो चल नहीं सकता, दो कदम मैं तो चल नहीं सकता, उसके बाद तू ही आ जा किसी बहाने से, तू ही आ जा किसी बहाने से, यहाँ पे देखिए गा की संगति, दोनों गा का प्रयोग, बहुत जबरदस्त इफेक्ट है, स्किप नहीं करना आप लोगों को, करना है प्रैक्टिस, तू ही आ जा हरकत के साथ, तू ही आ जा तू ही आ जा गरे सा गरे, तू ही आ जा किसी पागा पागा किसी बहाने से, तू ही आ जा किसी बहाने से, तू ही आ जा किसी फ्लो में देखते हैं शेर, चंद कलियों के मुस्कुराने से जख्म जागे कहीं पुराने से, दो कदम मैं तो चल नहीं सकता, दो कदम मैं तो चल नहीं सकता, तू ही आ जा किसी बहाने से, ओके उसके बाद में स्थाई मुखड़ा आता है, पहली लाइन देखिए, हम तेरे शहर में आए हैं, हम तेरे शहर में आए हैं, सागर सारे सधा पधा, हम तेरे शहर में सागर सधा सा सा आए हैं, आए हैं रे सा पधा पा, हम तेरे शहर में आए हैं मुसाफिर की तरह, मुसाफिर पापा गरे सारे गरे सा, हम तेरे शहर में आए हैं मुसाफिर
या फिर मुसाफिर की तरह, ऐसे भी ले सकते हैं, पगरे गरे सा मुसाफिर की तरह। मैंने आपको नोटेशन दी है, मुसाफिर की तरह, इस तरीके से। ओके, आइए तीसरी लाइन देखते हैं। सिर्फ एक बार गगा पा धसा निधा पा पा, सिर्फ एक बार मुलाकात का, पापा धपा धपा गगा गगा मुलाकात का मौका दे दे, मौका दे दे, रे गा सा गा रे मा गा 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 मौका दे दे। सिर्फ एक बार मुलाकात का मौका दे दे। ओके, इतना आपको करना है। उसके बाद म्यूजिक आता है, वो मैं आपको बताऊंगा। एक बार इसको फ्लो में देख लेते हैं। हम तेरे शहर में आए हैं मुसाफिर की तरह, हम तेरे शहर में आए। अब यहाँ थोड़ा सा दूसरी बार गाएंगे तो ऐड कर सकते हो आप इसको। हम तेरे शहर में आए हैं, हम तेरे शहर में आए, आए हैं, ये वाले मुसाफिर की तरह। सिर्फ एक बार, आप चाहें तो यहाँ पर भी ऐड कर सकते हैं दूसरा अंदाज। सिर्फ एक बार, मतलब एक थोड़ा सा विनम्रता का भाव। सिर्फ एक बार, सिर्फ एक बार, सिर्फ एक बार, सिर्फ एक बार मुलाकात का मौका दे दे। ओके, इसके बाद म्यूजिक देखिए। ये वाला धीरे से देख लीजिए। साधा साधा पाधा पागा पागरे का सा, ये म्यूजिक आप ऐड कर सकते हैं अंतरे के पहले। उसके बाद में अंतरा देखिए, अंतरा लेना अपने को तार सप्तक के सा से। मेरी मंजिल है कहां, मेरी मंजिल है कहां, या फिर मेरी मंजिल है कहां, वो थोड़ा सुंदर बना सकते हैं। मेरी मंजिल है कहां, मेरी मंजिल है कहाँ, मेरा ठिकाना है कहाँ। सा सा द प ध सा सा द प मा ध मा ध रे सा द प प, मेरी मंजिल है कहाँ, मेरा ठिकाना है कहाँ, मेरी मंजिल देखिए। इसमें जो सेकंड लाइन है, सुबह तक तुझसे बिछड़ कर, आप चाहें तो उसको थोड़ा चेंज कर सकते हैं। उसको देख लीजिए, वीडियो में देख के समझना है आपको। सुबह तक तुझसे बिछड़ कर मुझे जाना है कहां, कोमल निषाद का प्रयोग देखिए। सुबह तक तुझसे बिछड़ कर मुझे जाना है कहां, मुझे जाना है कहाँ, धने रे नीरे निधा पा। सुबह तक तुझे से बिछड़ कर मुझे जाना है कहाँ। उसके बाद
गाप्या जाना है। सोचने के लिए, सोचने के लिए गपध साने दपा, सोचने के लिए एक रात का मौका दे दे, मौका दे दे रे गा सागर मागा गा, मौका दे दे। हम तेरे शहर में आए हैं मुसाफिर की तरह। ओके, तो आप लोग इस तरीके से गा सकते हैं। मैंने लगभग सारे फ्रेज सारे इफेक्ट आपको बताने की कोशिश की है और लिखित में आपको नोटेशन दे दी, और जहाँ जहाँ पर जिस लाइन में जो जो इफेक्ट हैं बारीक बारीक वो सब मैंने आपको बताया है। तो वीडियो में देख करके आपको उसको अप्लाई करना है, रियाज में शामिल करना है उसको, रियाज करेंगे तो होगा। तो राग शिवरंजनी पर आधारित इस बहुत ही खूबसूरत गीत को आप लोग गा सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगले वीडियो में नए अंदाज में नई जानकारी के साथ फिर से आपसे मिलता हूँ। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू सो मच।